हेलो। हेलो हेलो हाँ रजनीश भाई सर, जी सर, बताइए। जी मैंने आपका यूट्यूब से मुझे नंबर मिला था, सर जी सर आपका वीडियोस देख रहा था भाई। जी सर हाँ जी सर, मुझे सर एक सकता हूँ जी सर बताइए। सर, मुझे ये जानना था कि मैंने एक अभी एक्सपोर्ट किया है और हाँ, उसमें मैंने ईसीजी से भी लिया हुआ है, ठीक ईसीजी से है लिया हुआ है, बट हाँ हाँ जी सर, ठीक है। बट बायर ने पेमेंट पे नहीं किया है मुझे, ठीक पेमेंट कर है, दिया और है? अभी नहीं पेमेंट मुझे किया नहीं है बायर ने अभी, अच्छा। ऐसा है। हाँ तो और उसमें मैं जो ईसीजी से कवर जो दिया है तो उसका मुझे पहले की नहीं सकेगा उसमें। ईसीजी लिया है ना आपने? हाँ, हाँ ईसीजी से उन्होंने लेके रखा है मैंने। तो फिर ईसीजी से लेकर रखा और बाहर पेमेंट नहीं करता, तो ईसीजी से इसीलिए तो लेते हैं कि भाई अगर बाहर पेमेंट नहीं करेगा तो फिर हम ईसीजी के थ्रू करेंगे काम, ईसीजी हाँ को तो इन्फॉर्म उस करेंगे। ओके तो मैंने उसमें जो बीएल का कॉपी जो है वो मैंने सरेंडर करवाया, बीएल सरेंडर करा दिया आपने? कहाँ शिपमेंट किया आपने? और ये जीआई में किया था मैंने, दुबई में। और क्या प्रोडक्ट किया? मैदा फ्लोर। मैं बीट फ्लोर कर दिया आपने, अरे फंस गया मतलब आप। हाँ चलो कोई नहीं, और अभी पहली फर्स्ट टाइम ही किया है ना आपने? क्या फर्स्ट टाइम किया था। रेट, क्या रेट के ऊपर किया मैदा आपने दुबई में? सीआई प्राइस क्या दिया? 442 USD। 442। और आपने क्रेडिट दे दिया मतलब उसको? हाँ मतलब क्रेडिट नहीं, मैंने हमारा अकाउंट किया था, बीटी था, ठीक है, और उसने मुझे स्विफ्ट कॉपी वगैरह मुझे पेमेंट करने के लिए दे दिया है फिर, और पेमेंट फिर कर दिया यहाँ उसने से मतलब? हाँ स्विफ्ट कॉपी भी मैंने चेक करा था मेरी बैंक से भी, उन्होंने भी स्विफ्ट कॉपी चेक करने के बाद बोला कि हाँ ये सही है, तो फिर हाँ मैंने हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन था उस हिसाब से फिर मुझे बीएल सरेंडर करवाना था, तो फिर मैंने बीएल सरेंडर करवा दिया। और 2-3 दिन हो गए फिर भी मैंने वेट किया, पेमेंट नहीं है। आज तकरीबन 17 तारीख को उसने किया था, आज हाँ हो गया 28 तारीख, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द पेमेंट। ओके। और उसने स्विफ्ट कॉपी भी दिया आपको और बैंक ने उसको वेरीफाई भी कर दिया, बट अभी भी आपके पास पेमेंट नहीं आया। हाँ अभी बैंक भी बोल रही थी कि हमको ऐसा कोई पेमेंट दिख नहीं रहा है। तो उस स्विफ्ट कोड के अंदर तो शो हो जाना चाहिए, अगर 17 तारीख को पेमेंट होता है तो सेम डे या नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में हो जाता है पेमेंट शो उसमें। तो हाँ हो जाता है बट बायर क्या हुआ बोल रहा नहीं है, है, बायर क्या बोल रहा है? बाहर अभी तो कॉल ही नहीं उठा रहा है 2-3 4 दिन से ऐसा उससे पहले क्या है। बोला, उससे पहले आपने बात करी थी बाहर से? हाँ हाँ उससे पहले बात किया था मैंने तो बोला कि भी 4 to 5 days मैक्स टू मैक्स लगता है वर्किंग डेज के, तो 17 तारीख को जब किया था तो वो फ्राइडे था, तो दुबई में फ्राइडे तो हाफ डे रहता है जनरली, फिर सैटरडे संडे छुट्टी था, तो वो दिन 2 दिन में निकाल दिए, तो आपने फिर कुछ नेक्स्ट एडवांस थर्सडे पेमेंट तो लिया था मेरा कि पूरा पेमेंट ही उसने स्विफ्ट पे लास्ट में किया आपको? नहीं एडवांस नहीं लिया था, मेरा फर्स्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, एडवांस तो कुछ भी नहीं दिया था, बट मैंने ईसीजीसी से कंफर्म करवाया था और उन्होंने मुझे बोला उनके रिकॉर्ड में तो नाम देता है कि कुछ अच्छे बायर होते तो उनके पास ऑलरेडी रहते हैं रेफर में, तो मैं मेरे कंफर्म करने के बाद ही मैंने ईसीजीसी लेने के बाद ही मैंने डील की थी। तो देखो यार, पेमेंट का जो इश्यू है ना सर, पेमेंट तो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था मतलब अब तक तो। अब इस केसेस हाँ में जो है ना, एक बार बैंक या तो वेरीफाई करे या फिर बायर ही मतलब आपको वेरीफाई करे। और इसी इसी को आप लेटर तो लिख दो, एक मेल कर दो जिसने भी आपका पॉलिसी दिया है कि भाई इतना डेज हो गया है, ऑलमोस्ट 7 to 10 days हो गया है, पर अभी आप ऐसा करो 15 दिन हो जाने दो, 10 से 15 दिन के अंदर आप ईसीजी को मेल कर देना कि अगर पेमेंट नहीं आता है तो, और अगर बायर रिप्लाई नहीं करता है तो आपको। अच्छा ठीक है बाहर का तो अभी एक्चुअली क्या है, मैंने पर्सनली भी देखे जो कलीग है उसको भेजा है वहाँ पे, तो उसका ऑफिस और ऑफिस अभी तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो फ्रॉड ही निकला है ऐसा ऑफिस है, नहीं है और मतलब अभी उसका? अभी अभी तो ऑफिस में कोई है भी नहीं, कोई आता भी नहीं, सब बंद है वहाँ पे। एंड दूसरा चीज ये है, अभी ये भी जानने को मिला कि जो कंपनी है उसके ऊपर दुबई में फाइन लगा है 7 लाख का अच्छा। ऐसा है। और ऑफिस बंद है वो उस और कंपनी का? हाँ ऑफिस भी अभी बंद है, उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है किसी का, कॉल नहीं, क्योंकि दुबई में मेरे फ्रेंड भी थे कुछ दूसरे जो बाहर थे, मैंने भी उनको भी नंबर दिया था, उससे बात हो रही है, चलिए से बंद हो गए, तो वो लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं बट कोई किसी का कॉल नहीं उठा रहे ऐसा मैं समझ है। गया, मतलब वो फ्रॉड केस ही हो गया एक तरीके का। हाँ एक तरीके का हाँ फॉलोइंग हो गया, मतलब इतने दिन तक मैंने भी इसलिए वेट कर रहा था कि मैं भी इंडियन हो था सकता है क्या कि मैं बंदा? फर्स्ट इंडियन टाइम था कि वहां शेख ही था?
वो तो इंडियन ही होते ना सर ज्यादातर तो। हाँ वही इसलिए मैं पूछ रहा हूँ भाई, इंडियन ही था कोई? यहाँ होते तो वही है जनरली, वो अपने भाई भाई को ही काटते हैं। हाँ वो तो है ही सही ना, वो उसका फाइन था जो उसने आपसे निकाल लिया, ये हो गया उसके साथ। वही 5-6 लाख का ही तो कंटेनर बनता है अपना। हाँ मैंने 7 लाख का 7 लाख 50 हजार के अंदर मेरा बना था कंटेनर। हाँ वो CIF का फ्रेट भी इंक्लूड रहा आपका उसमें? हाँ पूरा आ गया ना, पूरा उसको माल मिल गया, तब तक पूरा खर्चा मैं दे के। अच्छा तो स्विफ्ट कॉपी में मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना? मुझे ये लग रहा है कि स्विफ्ट कॉपी देने के बाद से उसने फोन कॉल बैक का रिक्वेस्ट दे दिया होगा। मैंने एक चीज कंफर्म की थी कि जो उसने स्विफ्ट कॉपी जो भेजा था ना, उसमें ना अभी तो जनरली सारी कॉपी के ऊपर बार कोड आता है, ठीक है, तो वो स्कैन करके चेक किया। अच्छा अच्छा स्कैन तो हो रहा है, स्कैन होने के बाद जो डिटेल्स आनी चाहिए वो डिटेल्स भी चेंज कर रही। अच्छा तो जिस बैंक जो बैंक है जिस बैंक से मतलब वो शिफ्ट हुआ है वो तो उसमें नाम होगा इसी बैंक का? हाँ ABCB बैंक से करवा। तो आप ना उस बैंक में अपने बंदे को उस बैंक में भेज दो ना एक बार कि ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है, ये हुआ कि नहीं हुआ। भाई आपका बंदा दुकान पे तो चला ही, आप बोल रहे हो मैंने किसी को भेजा हुआ है ना, तो आप क्या करो उस बैंक में भेज दो आदमी को वो शिफ्ट कॉपी लेके कि भैया ये शिफ्ट हुआ है यहाँ से और ये अभी तक डिस्पर्स नहीं हुआ है। वो तो मैंने करेक्ट इनको भी भेजा और मैंने पर्सनली भी 3 बार कॉल किया है ABCB को और ईमेल भी डाला है, ईमेल का रिस्पॉन्स भी आया है उनका। नहीं तो वो बंदा अगर वहाँ पे जाए, अगर बैंक में जाए तो बैंक वाले बता देंगे ना कि ये स्विफ्ट कॉपी सही है कि गलत है, ये पेमेंट हुआ नहीं हुआ हमारे बैंक से। वहाँ भी इंडियन मिल ही जाएंगे कोई ना कोई बैंक में किसी ने किसी में, तो वहाँ से बैंक से तो बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। अगर बैंक बोल देता है कि हाँ स्विफ्ट तो हुआ है यहाँ से तो फिर ठीक है, हो सकता है रिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा ये भी वो बता देंगे। अगर स्विफ्ट ही नहीं हुआ होगा तो वो भी आपको कंफर्म कर देंगे भाई स्विफ्ट ही नहीं हुआ, ये फेक है, तो वहाँ से आपको पूरा क्लियरली पता चल जाएगा ना भाई। आज मैं इम्पोर्टर हूँ, अब मैं स्विफ्ट करूंगा किसी को और आप कोई बंदा भेज के मेरे बैंक में चेक करा लोगे कि भाई ये स्विफ्ट आपके बैंक से हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर बैंक मना कर देगा कि नहीं हुआ है ये स्विफ्ट इस अकाउंट से, तो फिर तो कंफर्म हो गया ना कि फ्रॉड हुआ है ना। तो बिल्कुल बात है। हाँ तो आप वहाँ इधर उधर भेजने से अच्छा है आप बैंक में भेजो आदमी को सीधा, बैंक का नाम है इसी स्विफ्ट कॉपी पे आता ही है बैंक का नाम है ना, और बैंक में बस बैंक में ऑब्वियसली बैंक में भेजो और पता चल जाएगा और उसका अकाउंट नंबर भी होगा उस पर, तो वो भी पता चल जाएगा बैंक से। हाँ पूरा डिटेल बैंक को पता चल जाएगा कि ये अकाउंट नंबर हमारे यहाँ है कि नहीं है या ये फेक आपको स्विफ्ट कॉपी दिया गया है, तो अपने आप बैंक से सारा चीजें क्लेरिफाई हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि वाकई में फ्रॉड हुआ है नहीं। जैसे ही पता चल जाए आपको ECGC में मेल कर दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो। डॉक्यूमेंट कैसे भेज, सरेंडर किया है ना आपने तो डॉक्यूमेंट? हाँ बैंक के थ्रू नहीं भेजा ना आपने? हाँ तो आप इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लो, कि अब आप पहले वहाँ चेक करवा लो बैंक में और अगर आपको वहाँ से पता चल जाता है कि अगर वो कंफर्म हो जाता है तो फिर कहीं भगने की जरूरत ही नहीं, फिर सीधा ECGC को क्लेम करने के लिए आप पॉलिसी जो आई है वो क्लेम प्रोसीजर में आप डलवा दो उसको ECGC को मेल करके। अच्छा मतलब मुझे तो सही है, मुझे बस वही कंफर्म करना है। ठीक है।